वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी संगत जी, धन गुरु नानक महाराज ने नसीहतनामा लेके दिता सी कारू बादशाह नूं। ते जदों गुरु नानक महाराज तीजी उदासी वेले मक्के दे विच गए आ, तां उस वेले जिहड़ा जाने दी काजी रुकमदीन ने पहला तां गुस्सा कीता सी वी बाबा तू साडे मक्के वाली पैर करके पै गया। तो बाबा जी ने कहा से भी काजी साहब जिधर तुहाडा मक्का नहीं साडे पैर उधर कर दिओ। तो गुस्से च आया, पहला तो लत भी मारी सी काफर कह के, तो फड़िया गुस्से दे विच गिट्टियां तो चाके लत्तां घुमातियां, तो जिधर लत्तां घुमा के कीतियां सी जद देखिया तो मक्का उधर ही आ। फिर उही हत्थां दे नाल महाराज के चरण घुटदा तो अपना असीस गुरु नानक महाराज के चरणों ते रख के ते बेनती करता भी सच्चे पातशाह जी मैं भुलन हारा, मेरे तो भुल हो गई, मैनू बख्श दिओ। तां फिर महाराज नू 300 तो वध सवाल करता वा, तो महाराज उन्होंने हर एक सवाल का उत्तर देंदे आ, ते उहदी मन की शंका दूर करदे आ। फिर घर ले जा के महाराज की सेवा करता वा, तो उत्थे महाराज फिर दया दे घर दे विच आ के करनी नामा उचारण करदे आ। करनी नामे दे मतलब है भी महाराज ने आने वाले समय दे विच किहड़े किहड़े काम करने आ, ते अज तक जो हो गए ते गाह जिहड़े होण वाले आ उह सारिआं दा जिक्र कीता। ते जिहड़े डेरावाद जिहनां दी इह सवाल इह विवाद खड़ा करदा वा भई इह तां किते भी शब्द नहीं लिखिआ भई राज करेगा खालसा आखी रहे ना कोई। गुरु प्यारी संगत जी, जदों गुरु नानक महाराज मक्के दे विच गए सी उस काजी रुकमदीन नूं जाने दी इह दोहरा जदों जाने दी पढ़िया सी तां अगों काजी रुकमदीन ने जाने दी बेनती कीती सी हाथ जोड़ के भी सच्चे पातशाह जी भी तुसीं कहिंदे हो भी राज करेगा खालसा आखी रहे ना कोई। अज दिल्ली के तख्ते दे उत्ते सिकंदर लोधी इब्राहिम बैठा वा भी तुसीं कहिंदे हो भी राज करेगा खालसा, की इहदू बाद खालसे दा राज आऊगा जां कदों आऊगा, इहदे बारे जद जाने दी बेनती कीती सी तां धन गुरु नानक महाराज ने जाने दी तलंग राग दे विच भाई लालो जी नूं संबोधन करके कह रहे आ भी जिदा आप पढ़ते हैं ना जी तलंग राग दे विच एक शब्द बड़ा मशहूर आ भी आउण 78 जाण 97 होर भी उड़सी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखा सच सुनाए सच की वेला। उहदे विच ही शब्द आ भी पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो शर्म धर्म दोहें छुप खलोए, कूट फिरे प्रधान वे लालो भी शर्म दे धर्म सैड ते हो जाणगे। कूट दा मतलब झूठ प्रधान हो जूगा। 1526 दे विच बाबर दे कोल फौज आ 12,000 ते सिकंदर लोधी दे कोल आ फौज 125,000, क्योंकि उन्होंने जद्दी पुश्ती राज जिदा आप पढ़ते हैं भी 12 सदियां दिल्ली के तख्ते ते मुगलों ने राज कीता, ते इब्राहिम उन्हें वेसले होए सी भी सानू कौन आ भी सानू किते तो खतरा। जदों बाबर ने आके 1526 दे विच जाने दी तबाही मचाई, आके दिल्ली दे विच हमला कीता, ते पानीपत जंग हुई। पानीपत की जंग जो बड़ी जाने इतिहास के विच जाने दी विचारी जाती है भी जिहड़ा ये शहर का नाम पानीपत रखिया गुरु प्यारी संगत जी कदे विस्तार दे नाल पुरातन इतिहास पढ़ के देखियो भी पानीपत का जिहड़ा नाम उलटा के रखिया उत्थे बाबर ने आके पत पानी पानी कर दित्ती सी भी ये जिहड़े जाने दी कहिंदा महाराज ने जाके पहला कहा सी भी बाबर आ रहे आ तैयारी कर लो, तां उत्थे दे जिहड़े पंडित सियाणे लोग सी ओह कहिंदे भी साडे कोल मंत्री इदां दे आ भी असीं मंत्र पढ़ांगे बाबर अन्ना हो जूगा। ते फिर महाराज बाणी दे विच फरमाउंदे आ कहिंदे कोई मुगल ना होया अन्ना, किनी ना परचा लाया मुगल पठाना भई लड़ाई रण में तेग बहाई। क्योंकि जिदा दसवें पातशाह जी दसम ग्रंथ दे विच जो फरमाउंदे आ तीन काल साता, क्योंकि दसवें पातशाह महाराज फरमाउंदे आ कहिंदे शास्त्र के अधीन है राज, राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। क्योंकि दसवें पातशाह जी का हिरदा वा दसम ग्रंथ, तो कलगी धर महाराज का दसवें पातशाह जी की आत्मा वा गुरु ग्रंथ साहिब जी, क्योंकि उहदे विच राज सी ताकत जो आ जाने दी कहिंदा महाराज के बचन ने भी इन गरीबन को दिओ मैं पातशाही याद करे हमरी गुरियाई, भी मैं इन्हां गरीबां नूं जाने इदां दे पातशाह बनाऊँगा
कि दुनिया जानदी इन्हां दे सामने हाथ जोड़ के खड़ूगी। गुरु प्यारी संगत जी जद धन गुरु नानक महाराज ने यह दोहरा चारण किया तो काजी रुकमदीन कहन लग्या भी हुण इदू अगे कौन आऊगा। तो महाराज ने कहा सी बाबर दीआं सत पीढ़ियां, पहला बाबर, दूजा हमाजू, तीजा अकबर, चौथा जहांगीर, पंजवां शाहजहान, छेवां औरंगजेब ते सतवां बहादुर शाह। वे सत पीढ़ियां बाबर दीआं दिल्ली दे तख्त ते बैठन गईआं। तो उदू बाद फिर काजी रुकमदीन बेनती कर लग्या भी महाराज सत पीढ़ियां बाबर दीआं उदू बाद फिर खालसे दा राज होऊगा। तो महाराज कहन लगे नहीं, वे उदू अगे जाने दे पहली धिर चली जाऊगी, फिर दूजी धिर विदेशी आवणगे, कहिंदा भाव ईसाई आवणगे। दो सदियां दिल्ली दे तख्त दे उत्ते अंग्रेज़ां दा राज होऊगा। तो गुरु प्यारी संगत जी कदे इतिहास नूं विचार के देखियो, दो सदियां दिल्ली दे तख्त दे उत्ते जाने ईसाइयां दा झुंडा झुलिया लाल किले दे उत्ते। तां अगों फिर काजी रुकमदीन पुछदा वा भी महाराज भी फिर उदू अगे की होऊगा, भी फिर खालसे दा राज आऊगा। तो अगों जाने महाराज नूं कह रहे आ, वे महाराज कह रहे काजी रुकमदीन भी उदू बाद फिर तीजी धिर दिल्ली के तख्ते ते आके बैठूगी, तो वह बेईमान जाने दे झूठे वादे करके दिल्ली का तख्ता मलूगी। गुरु प्यारी संगत जी भी जदों जाने दे महाराज ने ये वचन किए, काजी रुकमदीन पुछता भी महाराज भी वह फिर की करे। तो उत्थे फिर महाराज ने कहा से भी वह धिर जिहड़ी तीजी बैठूगी तेरी कौम ते मेरी तो कौम दे नाल धक्का करूगी। तो जिदा आप देख रहे हैं भी अज नित जन की कहना मतलब घट गिनती कौमों धक्का किया जाता वा, पर महाराज की जो बाणी है, जो महाराजा रणजीत सिंह का राज सी जिदे बारे जाने आप पढ़िया पहला भी बोलिया वा, क्योंकि वह महाराजा रणजीत सिंह राज दे विच जिहड़े कानून सी ओह सी सवे सांझी बाल सदाइन कोई ना दिसै बारा जीओ। बे कहना मतलब सारे धर्मां नूं सीने दे नाल लाया जांदा सी, जिहदे बारे कवि ने लिखा सी कहिंदा हिंदू सिख ईसाई मौमणा सब नूं सांझा सी फरमान, उत्थे किसे धर्म दे नाल धक्का नहीं होया। जाने दी कहिंदा भाव अपने जाने दी देश दे विच कोई भी धर्म दे नाल ना धक्का होया, ना किसे गरीब नूं रोटी दे भुखा रख्या गया, ते ना जाने दी कहिंदा किसे दे कोई पाबंदी लाई। इस करके जाने दी जो महाराज दे बचन ने आने वाले समय दे विच कहिंदे दिल्ली तख्त पर बहेगी, आप गुरु की फौज छदर झुलेगा शीस पे बड़ी करेगी मौज, कहिंदा सिख राज करनगे दुनिया ते। ये गुरु नानक जी दे कहने आ, जिहदा चंडीगढ़ इंसाफ मोर्चे ते तरसेम सिंह मोरां वाली बड़े मशहूर इंटरनेशनल ढाडी जत्था, ते उन्होंने की कहा सी, कहिंदे नगमा बोलिया सी समा अज आ जावे भावें कल आ जाए होगा 96 करोड़ खालसा। गुरु प्यारी संगत जी जो महाराज के बचन वो पूरे आ, जिदा किसी कवि ने लिखा सी कहिंदा ये देश देश ना हुंदा जे किते पिता पिता दशमेश ना हुंदा। जार अल्लाह खां जोगी ने लिखा कहिंदा ना कहूँ जब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुनत होती सब की। दसम ग्रंथ के 569 अंग के उत्ते कलगीधर महाराज की फरमाते, 300 हथ अतंगी खंडा धोया। भी जद आप देखते अज तीजे दिन महाराज के सरूप की बेद भी होंगी है, ये होंगी नहीं, गुरु प्यारी संगत जी मंदबुद्धि कह के करवाई जाती है, कि इशारे से होंगी है तो कौन करा रहा, ये महाराज सब कुछ जानते हैं। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। जदों दसवें पातशाह जी ने गुरता गद्दी दिती सी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं, ते की कहा सी भी साडी आत्मा गुरु ग्रंथ विच ते साडा शरीर पंथ विच, अज ग्रंथ दे पंथ दा जो बुरा हाल हो रहा ते जो करवाया जा रहा किहदे इशारे ते हो रहा, ते महाराज सब कुछ जाणदे आ। ते दोहरे दे अखीर दे विच जो शब्द आ खंडा जां के हाथ में कलगी सो है सीस सौ हमारी रक्षा करे गुरु कलगीधर जगदीश। दसम ग्रंथ दे इक शब्द आ कहिंदे तुम सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा, भी वह महाराज अकाल पुरख वाहगुरु जी भी सब नूं राज दे सकदे आ, ते जदों बंदा राजा धर्मी ना होवे तां उहदे तों राज खो भी सकदे आ, क्योंकि तुम सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा। यानी आपां उन्हां वाली वीडियो दे विच भी दसम ग्रंथ दे विच जो 100 साखी जां मंगल प्रकाश ग्रंथ दे जां उन्हां वाले समें दीआं भविखबाणियां कीतियां ने
ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।